मशहूर एक्ट्रेस संभावना सेठ ने पिछले कुछ सालों में अपने टैलेंट के दम पे काफ़ी शोहरत कमाई है। इस वक्त तो फिल्मी पर्दों पर नज़र नहीं आ रही। हाल ही में उन्होंने एक व्लॉग के जरिए ये जानकारी दी है कि वह इन दिनों रूमेटॉइड अर्थराइटिस नाम की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया है और वज़न भी लगातार बढ़ रहा है। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में और ये किन अंगों पर असर डालती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस गाठिए रोग का एक प्रकार है, जिसमें रोगी को घुटनों, पीठ, गर्दन, कलाई और एड़ियों में काफ़ी दर्द होता है। आमतौर पर ये बीमारी बुजुर्गों को होती है, लेकिन गड़बड़ जीवन शैली और उल्टे पुल्टे खान पान की वजह से ये युवाओं और मिडिल एज के लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है। अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो न सिर्फ ये हड्डियों और जुड़ों को तगड़ा नुकसान पहुँचा सकता है, बल्कि स्किन, आँख, लंग्स भी प्रभावित हो जाते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। इसमें कई बार जॉइंट्स पेन बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसके अलावा जोड़ों में सूजन और अकड़न भी आम बात है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण। अगर आपको सुबह उठने के बाद बॉडी में किसी हिस्से में लंबे वक्त तक अकड़न महसूस हो तो समझ जाएं कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का खतरा हो सकता है। यह अकड़न कुछ घंटों तक बरकरार रह सकती है, लेकिन बॉडी मूवमेंट के बाद ठीक भी हो जाती है। इसके अलावा कमजोरी, भूख की कमी, आँख और मुँह का सूखना, हल्का बुखार और शरीर में गांठ भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस बीमारी का खतरा आमतौर पर ज़्यादा रहता है। इसका पता लगाने के लिए रूमेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी ज़रूरी है। रूमेटिक अर्थराइटिस का इलाज। इसके इलाज के लिए डिजीज़ मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स की लो डोज दी जा सकती है।